जबलपुर में पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो एक के बाद एक हुई पत्रकारों की मृत्यु से समूचे पत्रकारिता जगत को मानो गहरा आघात लगा है। शहर के 3 जाने माने पत्रकारों ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। हरीश चौबे, जहीर अंसारी और गोपाल अवस्थी के यूं चले जाने से पत्रकारिता जगत स्तब्ध है। रविवार को तीनों ही पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी गई। माढ़ाताल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ जिसमें पत्रकार, समाजसेवी, प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग शामिल हुए। सभी ने बारी बारी स्वर्गीय हरीश चौबे, जहीर अंसारी और गोपाल अवस्थी की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर आयोजित सभा में शहर के पूर्व महापौर प्रभात साहू ने तीनों पत्रकारों की मृत्यु को पत्रकारिता ही नहीं बल्कि शहर के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया। इसके साथ तीनों से जुड़े अनुभव सभा में साझा किए। एक अच्छा व्यक्ति, एक शानदार व्यक्ति, पत्रकारिता की अपने आप में एक मिसाल, हमेशा हंसता हुआ चेहरा। आपको कोई तकलीफ हो तो आपकी तकलीफ में खड़े रहने वाला व्यक्ति जहीर हम सबके बीच में चला गया। विश्वास नहीं होता। शाम को कहा उन्होंने कहा भैया मैं थोड़ा दूर हूं, बोले आप चाय नहीं पी। मैंने कहा भैया 2 दिन पहले तो चाय पी। बोले अरे 2 दिन हो गए, चाय खत्म हो गई होगी, आ जाओ। मतलब आत्मीयता की पराकाष्ठा। बहुत लंबा समय मेरा जहीर भाई के साथ नहीं बीता, लेकिन पिछले 3-4 साल में ऐसी आत्मीयता हो गई थी जैसे बहुत लंबे समय का साथ हो। हमने निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा मित्र खोया, एक बहुत अच्छा पत्रकार खोया, और सबसे बड़ी बात एक बहुत अच्छा इंसान। पत्रकार के साथ साथ जो सबसे बड़ी कमी थी विश्वसनीयता की, उस विश्वास को उन्होंने कायम रखा। सहज विश्वास नहीं होता। और उसी के साथ साथ गोपाल अवस्थी जैसा शानदार व्यक्तित्व, सीधे साधा सरल व्यक्तित्व, हरीश चौबे जी, तीनों लोगों का जाना निश्चित रूप से पूरी संस्कारधानी के पूरे महापोषण के लिए और हम सब मित्रों के लिए जो हम सब लोग इनके निकट रहे हैं, लंबे समय तक निकट रहे हैं, हम सबके लिए भी एक बड़ी क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा परिवार को जो दुख आया और परिवार के साथ साथ सारे मित्र जो यहां पर प्रतिदिन जहीर भाई के साथ बैठते थे उन सबको भी बहुत वेदना, जितना उनके परिवार को वेदना होगी। मुझे लगता है मैं कल से समझ नहीं पा रहा, मैं अपने परिवार में बात कर रहा था कि कल मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था कि बेटा वो जहीर भैया अब हमारे बीच में नहीं रहे। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से बहुत कठिन समय हम सबके लिए है, फिर भी ईश्वर की नीति के आगे हम सब विवश हैं। मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति, ओम शांति। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।